हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ लेडीज़ जैकेट या कार्डिगन के लिए खूबसूरत सी डिज़ाइन। जब भी मैं लेडीज़ कार्डिगन या जैकेट बनाना होता है तो हम कन्फ्यूज़ होते हैं कि डिज़ाइन कैसी डालें जो आसान भी हो और अच्छी भी लगे। तो ये डिज़ाइन ऐसी है जो बहुत आसान है, सिर्फ एक लाइन में कम्प्लीट हो जाती है और बहुत जल्दी कम्प्लीट हो जाती है और देखने में भी बहुत अट्रैक्टिव लगती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो बेस हम बनाएंगे इसका, क्योंकि कार्डिगन वगैरह के लिए हमें बेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिना बेस के आप जो डिज़ाइन बनाते हैं उसमें नीचे बॉर्डर वगैरह बनाने में दिक्कत आती है। तो इसमें हम पहले बेस बनाएंगे। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 6 के मल्टीपल में चेन लेनी है, प्लस 5, मल्टीपल ऑफ 6 प्लस 5। तो देखिए, हमने ये एक गांठ लगाई, फिर 6 के मल्टीपल में चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 का मल्टीपल ऑफ 6 प्लस 5 चेन बना लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने 29 चैन बना ली है, 29 चैन बना ली है, 6 चौक 24 और प्लस 5 29। ठीक है, अब यहाँ पे शुरू में हम दो चैन बनाएंगे। अब देखिए, दो चैन बनाने के बाद तीसरी बजाय चौथी चैन में देखिए, 1 2 3 4, फोर्थ चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब जितनी भी चैन है सब में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, तो ये डबल क्रोशिया हम सब में बना लेते हैं। ये देखिए, ये हमने डबल क्रोशिया की लाइन बना ली है। अब हमें बेस रो बनाना है। ठीक है, ये लाइन जो हम बनाएंगे वो एक ही बार बनाएंगे, ये बेस रो हमारी होगी। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 2 और ये 3 3 चेन बना ली है। इसके बाद यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, 1, ठीक है, 2 3 और ये 4। ठीक है, देखिए, ठीक है। अब फिर यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे, फिर एक छोड़ेंगे। अब नेक्स्ट से हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर एक छोड़ के नेक्स्ट में फिर 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 5 बनाया, फिर एक चेन बनाया, फिर एक छोड़ेंगे। तो ऐसे ही आपको ये रो कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए, ये हमने रो कंप्लीट कर ली है इस तरह से। और लास्ट में देखिए, आपने 4 डबल क्रोशिया बनाया है और यहाँ पर जो हमने शुरू में चेन बनाई थी वो छूट गया है, तो इस चेन में भी हम एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो अब हमारे पास दोनों साइड देखिए, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है। ठीक है, अब हमारी फर्स्ट रो स्टार्ट होती है। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही रो आपको बार बार रिपीट करनी है। 1 2 3 तीन चेन बनाएंगे। तो पहले ये जो डबल क्रोशिया, इनके ऊपर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, 4 बनाने के बाद अब ये जो गैपिंग है इसके अंदर हम एक बनाएंगे और फिर इसके बाद नेक्स्ट वाले पे, देखिए नेक्स्ट वाले पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल हमने यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया बनाए। चेन को भी काउंट कर, देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया। अब ये जो स्पेस है देखिए, इसमें इसमें हम पफ बनाएंगे। देखिए, 1 2 3 4 और ये 5, 5 बार बनाया। इसे हमने ऐसे लिया, ठीक है, फिर इसे हमने बंद कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे आपको एक चेन बनाना है। तो देखिए, फर्स्ट वाले पे तो आपने डबल क्रोशिया बना लिया, अब इसको स्किप करेंगे और यहाँ पे आपको यहाँ से देखिए थर्ड वाले से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो हम डबल क्रोशिया बनाएंगे थर्ड वाले में, 1 2 और ये 3। ठीक है, फिर से पैटर्न रिपीट करेंगे। यहाँ से देखिए, इसमें आपको स्पेस में एक डबल क्रोशिया बनाना है और एक जो नेक्स्ट वाला है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, यहाँ से हम इसमें से पॉप बनाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसे आपको ऐसे बंद करना है, दो लूप रहे आपका, फिर इसको बंद करेंगे और फिर यहाँ पे एक चैन बना लेंगे। ठीक है, तो इसमें आपने चैन डबल क्रोशिया बनाया, अब इसको स्किप करेंगे और इसमें देखिए, इसके अंदर डबल क्रोशिया, देखिए, 1 2 और ये 3। ठीक है, फिर से आपको यही पैटर्न रिपीट करना है। देखिए,
इसमें एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसमें पफ बनाएंगे। देखिए एक दो तीन चार और ये पाँच, इसको बनाया। देखिए इसको हमने इस तरह से लिया, फिर इसको बंद किया, फिर एक चेन लेंगे, फिर इसको तो हमने बनाया, इसको छोड़ देंगे इसमें। एक दो तीन, ठीक है, फिर वापस से इसके अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके ऊपर हमें डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर वापस इसमें पफ बनाएंगे। देखिए एक दो तीन चार और ये पाँच, पाँच हुआ। फिर इसे हमने इस तरह से बंद किया, फिर एक चैन लिया, फिर इसको छोड़ेंगे। देखिए इसमें बना, इसको छोड़ेंगे, यहाँ पे आपके तीन डबल क्रोशिया होंगे, एक दो, और ये शुरू में हमने तीन चैन बनाई थी तो इसकी थर्ड वाली चैन में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये आपका डिज़ाइन बन जाएगा। अब यही लाइन आपको बार बार रिपीट करनी है, तो फिर से देख लीजिए। देखिए एक दो तीन, तीन चैन हमने बनाई। अब देखिए यहाँ पे तो हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए एक और ये दो, इस पर हमने बनाया। अब देखिए तीन बनाने के बाद एक तो हम इस स्पेस में बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए पफ को आपको काउंट नहीं करना है, यहाँ पे पफ का जो पहला वाला डबल क्रोशिया है इस पर आपको एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस पर हमने बनाया। अब यहाँ पे हम पीछे की साइड से पफ बनाएंगे, देखिए एक दो तीन चार और ये पाँच, पाँच लिया, फिर इसे हमने इस तरह से बंद किया, फिर एक चैन। अब देखिए यहाँ पे हमने इस पे बनाया, अब इसको छोड़ेंगे और यहाँ से यहाँ पे एक दो तीन। काउंटिंग के लिए आप ये ध्यान रख सकते हैं कि ये जो आपका जो स्पेस है इसके पहले आपको तीन डबल क्रोशिया बनाने हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए इस में हम एक बनाएंगे और इसके बाद देखिए जो पफ है उसके जस्ट बाद वाले में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए ठीक है। अब फिर ये पफ में यहाँ से हम बनाएंगे, देखिए एक दो तीन चार और ये पाँच, ठीक है, फिर इसे हमने बंद किया इस तरह से, फिर एक चैन लेंगे। अब देखिए यहाँ से एक दो तीन काउंट करेंगे, तीसरे में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ये बनाना है। अब आपको इसी तरह से रो रिपीट करनी है, बस इतना ध्यान रखना है। देखिए जब यहाँ पे हम बनाएंगे फर्स्ट वाली रो तो यहाँ पे आपके ज़्यादा डबल क्रोशिया होंगे जबकि यहाँ पे आपके कम होंगे, तो ये आसानी से आप ये जो आपका जो होल है ये जो स्पेस है इससे आप समझ जाएंगे क्या बनाना है, ठीक है। तो इस लाइन को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, थोड़ी और डिज़ाइन बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने चार लाइन बनाई, देखिए इस तरह से डिज़ाइन लगती है, बहुत ही प्रिटी, और देख सकते हैं आप इस तरह से डिज़ाइन, और इसका जैकेट जो है वो भी बहुत खूबसूरत लगता है और बहुत जल्दी बन जाती है, आसान डिज़ाइन है। तो मुझे उम्मीद है आपको डिज़ाइन पसंद आएगी, डिज़ाइन पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आपको डिज़ाइन कैसे लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।